हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका है सेंट्रलाइज सिस्टम से। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो दो ये चार गो आपको मंत्री ऐसे फेमस मिलेंगे, ज्यादा मंत्री लोग कोई उड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि जयशंकर साहब को 25-30 साल का एक्सपीरियंस, क्या चीज भाषण देंगे ये लोग, जिंदगी भर पढ़ाई में लगा दिए, देश सेवा में लगा दिए। अब अलग अलग प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका अलग अलग है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका है सेंट्रलाइज सिस्टम से। ज्यादातर चीजों को वो सिकोड़ के काम करना चाहते हैं, बहुतों को पावर देना नहीं चाहते। इसलिए देखिएगा, आप जब प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो दो ये चार गो आपको मंत्री ऐसे फेमस मिलेंगे, जैसे एक विदेश मंत्री ये आपको मिल जाएंगे जयशंकर साहब, और एक नितिन गडकरी मिलेंगे, बाकी इतना उतना नाम सुनाई देगा आप लोग को। अब चूंकि गृह मंत्रालय का पद ही इतना बड़ा है अमित शाह का, तो गृह मंत्रालय के नाते वो ज्यादा फेमस नहीं होते हैं, मोदी जी से करीबी की वजह से वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। नहीं तो गृह मंत्रालय का कोई काम थोड़ी होता है जो बदलाव देगा, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश में हिंसा ना हो, जैसे मणिपुर जैसे घटनाओं को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी। तो मोदी जी के काम करने का तरीका सेंट्रलाइज है कि जो होगा एक ही जगह से होगा, जो होगा हम देखेंगे, तुम उधर बाकी सब व्यवस्था देखते रहो, यहाँ पे हम आएंगे तुमको बाद में एक ही बार जब सब कंप्लीट हो जाएगा। तो वंदे भारत, जाओ जाओ, बाद में पूछे कौन चलाया था इसको, रेल मंत्री संजय के गिने। तो मोदी जी के काम करने का तरीका क्या है, सेंट्रलाइज है, ज्यादा मंत्री लोग कोई उड़ने नहीं देते। अब विदेश मंत्रालय का काम ऐसा है कि उसमें मोदी जी फीका पड़ जाएंगे, क्योंकि जयशंकर साहब को 25-30 साल का एक्सपीरियंस समझा गया कि नहीं, और उनको पूरा बढ़िया से जवाब देने का तरीका है, और उसका एक प्रोटोकॉल होता है, आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, घुमा के बोल सकते हैं, पुतिन का नाम नहीं ले सकते हैं, रशियन प्रेसिडेंट बोलिएगा, पुतिन नहीं बोलिएगा, नॉर्मल आदमी जाके बोल देगा पुतिन, पुतिन नहीं बोल सकते ना आप, रशियन प्रेसिडेंट बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि पुतिन मतलब क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट की जगह पुतिन की जगह कोई और भी होता तो क्या हो जाता है, वही हो जाता है यहाँ पर, समझा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बात करने का डिप्लोमेटिक तरीका है। तो जयशंकर साहब का पहले से एक्सपीरियंस है, जयशंकर साहब चुनाव कहाँ लड़े हैं, और ऐसे लोग चुनाव लड़ने क्या चीज भाषण देंगे, ये लोग जिंदगी भर पढ़ाई में लगा दिए, देश सेवा में लगा दिए, वहां जाने के बाद देखना पड़ता है कि कैसा माहौल है, उसके हिसाब से भाषण देना पड़ता है। यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे महिला सब के लिए भाई आपको हम लोग ये हो ऊपर ऊपर वाला बात बोल देगा, आप लोग भी एकदम खुश हो जाइएगा, लोग अगली बार अपने जाके क्या मांगिएगा यूनिवर्सिटी, और अपने लिए एक विशेष स्पेशल साइबर सेल हर पुलिस स्टेशन में, समझ में आ गया, डेडिकेटेड रहना चाहिए वहां पर, लड़की सब जाइए मेल पुलिस वाले से बोलिए नहीं पाती है, समझ में आएगी नहीं क्या, थाना में एक वैसे भी महिला पुलिस की तो भर्ती है ही है वहां, वहां जाके बोले पुलिस वाले को मिला रहता है एक स्पेशल मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर डालेगा ना पूरा एकदम आधार कार्ड, चूंकि आपका मोबाइल आधार कार्ड बिना आपका सिम नहीं लग सकता, और आधार कार्ड उसके पास जैसे उठालेगा ना आपका मोबाइल नंबर तो आधार कार्ड आ जाएगा उसके पास उसी मोबाइल में, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला के पास जो चालान काटने वाला होता है ना आपके गाड़ी का नंबर डालेगा ना पूरा हिस्ट्री निकल जाएगा गाड़ी का, कब खरीदे थे, कहां से कितना खरीदे थे, पॉल्यूशन है कि नहीं क्या, पूरा लिस्ट निकाल दे, तो पूरा लिस्ट निकाल देगा, साइबर सेल रहेगा, उसके बाद आधार कार्ड मिल गया, अब एक लिस्ट निकालने वाली पुलिस अलग, आधार कार्ड निकल गया, अब उसको कुटाई वाली डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाए, अब वो आधार कार्ड लेके पहुंच जाए यही कुटाई वाला से, ये ससुरा तो नहीं थे दे दनादन, नहीं समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं दे रहा है, खड़ा होकर पूछ दिया, बीच में हल्ला मत करो बाबू का क्वेश्चन प्रधान आगे बढ़ते हैं। उबकलवा कह रहा है कि प्रधानमंत्री का भैंस खोल लेंगे तो क्या होगा, तुम पहले अपने विधायक के घर में घुस के दिखाओ, समझ में गया ना, मुखिया में तो दिक्कत नहीं होता है, मुखिया हो गया क्योंकि गांव का ही होता है ना, तो नहीं विधायक के घर में घुस के दिखाइए, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, सुबेरे जब बैठना पड़ेगा ना चौखट पकड़ के बैठिएगा, अरे आप मार के तूर दे लो रे।